जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन जो हैं वो पस को, सेकेंडली यूट्राइन जो है माउथ जो है यूट्रस का, उसके ऊपर बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती हैं, बाथुलन सिस्ट्स हो सकती हैं वल्वा में, और बहुत सारी इन्फेक्शन हैं. तो जैसे मैंने कहा कि वी एडवाइज़ द यंग गर्ल्स और बाकी औरतें भी कि अपने हाथ पहले धो लें, ठीक है, और मेल पार्टनर की इन्फेक्शन हम एक्सक्लूड कर लें. उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा मर्ज है जो बांझपन करता है और यंग बच्चियों में करता है. ठीक है, हमारे पास जब इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट्स आती हैं, 3-4 साल शादी को हुए हैं, अल्ट्रासाउंड करते ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि टीबी का जरासीम यहाँ पे कोई सैर सपाटा करके अपनी वेकेशंस गुजार के और वो जा चुका, और ये जा चुका है, डेट जरासीम होते हैं, ये जा चुका होता है काम खराब करके ना, कुछ ऐसा रह के इट गोज अवे, इट डाइज, मगर वो करके जाता है कि क्या डैमेजिंग, फुल कर चुका, डैमेजिंग. अब कई बार मैं जब स्कैन करती हूँ तो मुझे एक चमकदार सी चीज यूट्रस में नजर आती है, शाइनिंग. तो मैं पूछती हूँ पेशेंट से कि बेटे आपकी अम्मी को या अब्बू को या घर में किसी को टीबी तो नहीं थी? तो मुझे एकदम हैरान होकर देखती है कि कर तो ये अल्ट्रासाउंड रही है, तो अम्मी की टीबी का क्यों पूछ रही है? और यकीन करें 99% ऑफ केसेस या वो मदरसे में कुरान हिफ्ज कर रही होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मदरसों में बहुत बच्चियां, आप कभी हिस्ट्री लें तो ऑलमोस्ट 80-90% ने मदरसे में तालीम ली होती है जिनको ये ट्यूबरक्लोसिस होती है जेनिटल ट्रैक की, क्योंकि ये यहाँ से जाती है लेकिन वो जेनिटल ट्रैक में ब्लड के जरिए जाके नुकसान करके जा चुकी होती है. ठीक है, तो इसलिए ट्यूबरक्लोसिस या माँ को, नानी को, दादी को, किसी रिश्तेदार को, फ्रेंड को निकल ही आती है. तो वो जो चमकदार चीज़ नज़र आ रही होती है वो कैल्सिफिकेशन होती है, एंडोमेट्रियल कैल्सिफिकेशन, और वो कैल्सिफिकेशन जो है वो लेट स्टेज में ट्यूबरक्लस एरिया जब वहाँ पे पस बननी शुरू होती है यूट्रस, और फिर वो कैल्सिफिकेशन वहाँ पे हो जाती है.